गलत हो रहा है। छात्रों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और हर व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर भी एक हमला है। तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिसको हमें रोकना है। कार्यसूर प्रदेश में आया था ये के। हाँ जी ये देश को संविधान के विरोध है और संविधान में सबका योगदान रहा है, हर वर्ग का योगदान रहा है, हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है, हर तो इसका हमें संविधान के दायरे में और वर्गों का विस्तार करना चाहिए, ना कि इसका इसको कम करना चाहिए। जैसे कि हमारे आर्टिकल 15 में डिसेबिलिटी नहीं इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा कि डिसेबिलिटी भी इंक्लूडेड हो, कि उनके उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो डिसेबल के साथ। लेकिन जिस तरह चीज़ें जा रही है ये बिल्कुल ही देश को बांटने वाली और देश को डिवाइड करने वाली, और हमारे देश में मुद्दे बहुत हैं तो हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि शिक्षा का एक मुद्दा है, मैं देखता हूँ लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज छोड़ के दिल्ली में पढ़ने आते हैं, इतने बच्चे हमारे देश की सिर्फ देश का हर युवा शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा एक अधिकार है संविधानिक, उसको हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे मुद्दे देश का ध्यान भटकाते हैं और हमें उन मुद्दों से, तो शिक्षा ही समाज को आगे ले जाएगा और शिक्षा ही हमें उदय की तरफ ले जाएगा। हमें अपने समाज को एक नई दिशा देनी है। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। गलत हो रहा है। छात्रों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और हर व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर भी एक हमला है। तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिसको हमें रोकना है। Because there's so much of diversity. We have been here. And today, that secular fabric and those values are in. देखो यार, बहुत गरीब से बना है यार। Why not? Why I will say even this, if roads are properly constructed, the footpaths are more people will be encouraged to come, but the roads and everything. Okay.